सुनिए गरुड़ संवाद है रामायण में ज्ञान दीपक में। उन्होंने बोला है कि सप्त प्रश्न मम कहो बखानी, नाथ मोहि निज सेवक जाने। मेरे सात प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उसमें पहला प्रश्न है बोल रहे हैं कि सप्त प्रश्न मम कहो बखानी। प्रथम कहो महामत धीरा, सबते दुर्लभ कौन शरीर। पहला प्रश्न मेरा ये है कि चली बड़ी सृष्टि में ब्रह्मांड में सबसे कीमती शरीर कौन सा है। 84 लाख जोड़ी है, देव दानव मानव पशु पक्ष, तो इसमें सबसे उत्तम शरीर कौन सा है। प्रथम ही कहो महामत धीरा, सबते दुर्लभ कौन शरीरा। बड़ दुख कौन कौन सुख भारी, सो संक्षेप कहो विचारी। इस जगत में सबसे बड़ा सुख क्या है, अब सबसे बड़ा दुख क्या है, ये मैं सुनना चाहता हूं। क्या इसका मतलब है कि आप अजूबोपति खजूबोपति हो जाओ तो सुखी हो जाओगे, अथवा एक झोपड़ी में हो तो दुखी कहा जाएगा। दुखी और सुखी की परिभाषा क्या, ये प्रश्न है। सात प्रश्न है, बड़ दुख कवन कवन सुख भारी, सौ संक्षेप कहो विचारी। प्रथम कहो महामत धीरा, अब सबते दुर्लभ कौन शरीर। कहा कुशली जी को गरुड़ जी ने उत्तर देना शुरू किया है कि प्रश्न बहुत बड़ा है। इस विषय में एक बार यहाँ मुरारी दास जी आए रहे थे, उन्होंने बोला कि ये विषय बहुत गूढ़ा अच्छा है, कभी इस पर आप बोलिए। मुरारी दास जी ने अहमदाबाद में इस पर प्रवचन दिया है, बहुत माननीय अच्छा। और संक्षेप में मैं सुना रहा हूँ, अभी समय नहीं है इतना है। एक ही प्रश्न ऐसा है कि 8 दिन तक बोले तो पूरा ना हो। नर बोला है कि नर तन सम कौन दे जीव चरा चर जाचत दे। मानुष के समान कोई तन नहीं है। 84 लाख जोड़ी में आप देवता भी बन जाओगे तो भी मानव शरीर से नीचे हो। आप इंद्र बन जाओगे तो भी मानव की कक्षा में इंद्र के कोटि नहीं। आप समझना, इंद्र को भी नीचे आना पड़ता है। देवों ने दानवों ने जब खूब तपस्या किया, तप किया है, पंचम भजन सवेद प्रकाशा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। मंत्र जाप जो है उसके बल से आप देव दानव मानव जहां जाना हो चले जाओ, जो चाहे उसे आप कर सकते हो। मंत्र जाप में इतनी ताकत है, लेकिन मंत्र जाप का मार्गदर्शन देने वाला कोई योग्य पुरुष होना चाहिए, जिनका अध्ययन है मंत्र शास्त्र के विषय में, चाहे तंत्र पढ़े हो, रुद्रामल पढ़े हो, पूर्व भाव पढ़े हो, और क्या नाम के मंत्र महोदधि पढ़े हो, आकाश भैरव पढ़े हो, पिंकरी तंत्र पढ़े हो, रावण तंत्र, मेरे पास इतना ज्यादा ज्यादा एक एक बुक है संस्कृत में। रावण ने तंत्र बनाया, वो रावण तंत्र है, सब खोल कर देखो आपका मगज नहीं काम करेगा, फिर आ करोगे। मार्गदर्शन गुरु के सिवा नहीं होता है। गुरु वही हो सकता है जो स्वयं उस कक्षा में पहुंचा हो। तो
ये सब जान पढ़ करके मैंने अपने दिल में सोचा कि हमारे गुरुदेव नारद होंगे अथवा तो दत्तात्रेय होंगे। शुरू से ही जब स्टडी करता रहा तभी से बड़े बड़े संत हमको मिले, प्रणाम विनम्रता से करूं, लेकिन अंदर से गुरु रूप में तो ही कोशिश कर रहा। मैंने बोला किसी को बोल दू तो हंसेंगे कि इनके गुरु आप कोई बन सकते हैं, इसलिए बोलू नहीं, लेकिन हमारे गुरु हैं, ऐसे करके चला लो। कर्पात्री जी मिले आनंदमय मार्ग ही उसमें भी बात कर रहा हूं। लेकिन एक और बहुत बड़े विद्वान रहे, व्याकरणाचार्य, न्यायाचार्य, वेदांताचार्य, राज पंडित, राजमहल के राज पंडित रहे औधनाथ जी त्रिपाठी, वो अनंतानंद सरस्वती होकर के दीक्षा ले लिया। उन वो जो विंध्याचल देवी के यहाँ जाया करते रहे और वहां वो रात में भजन करे, तो रात में कोई वृद्ध संत आ रहे हैं। अब उस संत का दर्शन मैंने बहुतों को यहाँ भी कराया है। अब अभी भी तैयार हूं इसको प्रूफ देने के लिए, दर्शन करा करके अभी भी जो बोलेगा उसको मैं कृपा करेगा तो दर्शन होगा। वो वृद्ध संत बोले आप क्या करते हो कि दुर्गा सप्तशती मार्कंडे पुराण प्राणांतर्गत 13 अध्याय है माँ का, उसका पाठ मैं करता हूँ। तो बोले वो तो भारता है, शुंभो वाचो निशंभो वाचो चंडो वाचो वाचो, जो सूरत ने और राजा ने तपस्या किया वो मंत्र क्या है, 13वां अध्याय में दिव्या सप्तम परम जप, 13वां अध्याय में दुर्गा सप्तशती के लिखा है दिव्या सुक्तम परम दिव्या सुक्तम। उन्होंने बोला कि मैं एक आपको विद्वान आदमी हो एक मंत्र दे रहा हूं, तो सहस्राक्षरी है, 1000 अक्षर का है, इसको आप करोगे तो आपको मां खुश होगी, देवी देवता भी प्रसन्न होंगे। उनको बता दिया, लेकिन भोज पत्र पर लिखा रहा, उन्होंने बाचा, विद्वान रहे और जब तक जिए करते रहे। जब 96 वर्ष के लगभग हो गए तो मैं उनके पास पहुंच जाया करता रहा, तो बोले कि तुम बड़े सुपात्र लगते हो, मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। तो वो मंत्र हमको उन्होंने दिया, अब उसको मैंने फिर लिखा, हम उनको फिर बताया, बोले कि सही से करना, लेकिन एक बात ध्यान रखना, वर्षत्रय वतेन्द्रिया प्रत्यम सतत प्रेम जपे, अगर रोज का 300 करोगे अगर तो 3 वर्ष में 400 कर लोगे, अगर इतना नहीं होगा 100 पाठ करेगे तो भी माँ खुश होगी। एक कलिकाल है, कलिकाल में साधकों को बहुत साधकों की बहुत परीक्षा नहीं होती है, थोड़े में सब मिल जाता है श्रद्धा से करा जाए तो मैंने वो किया। लेकिन हम भागवत की कथा करते रहे माधव बाग में, तो वहां पैसा बहुत आवे, लोग बहुत आवे, लेकिन हमारा मन लगे नहीं कि मैं कमाने के लिए नहीं आया हूँ। भगवत आप सबसे नर्मदा किनारे और नदियों किनारे पहाड़ों में फिर करो भजन कर रहा हूँ, तो सुप्त में कायम 300 करता रहा, लेकिन कहीं रहने का ठिकाना नहीं, कहीं खाने का ठिकाना नहीं, कोई हम किसको परिचय दू नहीं, तो कोई कुछ दे भी नहीं, कभी कुछ दे दे तो खाता नहीं रहा, कभी भी ऐसे भिक्षा नहीं मांगा है इतनी उम्र तक। नदी के किनारे से जंगल में से कुछ जोड़ कर खा लेता रहा, तपेली और पक्कर रखो, वही चीनी की तपेली रखो तो कोई ले जाए नहीं, बिछाने के लिए कंतान रखता रहा, एक कंबल फटा हुआ और ओढ़ने में रखता रहा,
उसमें जीवन बिताया। पैंतीस वर्ष नदी किनारे, गंगा किनारे, ये अनुभव की बात बता रहा हूँ। जब फिराते फिराते हम बोले आए थलते, कोई बोला 10 जगह आप बदलोगे तो तुमको कोई मिलेगा। हमें 10 जगह कैसे बदलना खबर नहीं, लेकिन मंत्रदार और गुरु में अनन्य श्रद्धा ये नहीं छोड़ा, गुरु में गाढ़ श्रद्धा नहीं छोड़ा। थलतेज में रहा, वहां से थलतेज में भी अच्छा रहा। हितेन देसाई साहब सीएम रहे, वो आते रहे, और गांधीनगर सभी सेक्रेटरी आते रहे, पावरी साहब आईजी रहे उस समय, सब आते रहे। तो बोलते रहे कि जब ये पाठ आप करिएगा तो आपके इस मंत्र के प्रभाव से बड़े बड़े लोग आपके पास आएंगे, उनको शांति लगेगी। एक सावधान कि बड़े बड़े लोग आने लगे तो अहम न आ जाए कि मैं आई एम समथिंग, मैं कुछ हूँ, ये न हो जाए, ध्यान रखना। कुछ पैसे भी लो रखेंगे तो पैसे में आसक्ति मत रखना, पैसा रखोगे तो भगवान दूर रहेगा। पैसा और प्रतिष्ठा दो से दूर रहना, अगर आ जाए तो कहीं धर्मादा करा देना, रखना मत। तीसरी बात, आपको जगह जगीर जागीर बहुत मिलेगी। तो थलदेज में आपको बहुत बड़ी जगह मिली, 12 एकड़ दे रहे थे, नहीं लिया। और यादें आ जाती रही, फिर भी थलते चेकरी ले लिया जो भी 50-60 करोड़ अजबों की है। महादेव का मंदिर बनाया, शांतिनाथ महादेव के नाम से, वहां जो है बस स्टैंड भी करा दिया, फिर भी छोड़ दिया। क्यों? कि वो जगह की कीमत बढ़ रही थी, बहुत लोग आ रहे थे, वाहवाही हो रही थी, तो हमको डर लग रहा था कि मैं इसी में रह जाऊंगा, छोड़ दिया। जटाशंकर आ गया, जटाशंकर में 9.5-10 वर्ष रहा, 11 वर्ष। वो गुफा देखा ना, एक दिन नहीं रहोगे आप लोग। 6x3 का गुफा है, इतनी ऊंची है, और जंगल से कुछ ढूंढ कर खा लेता रहा। कभी भी कोई नहीं बोलेगा जूनागढ़ में भी कहीं भी कि कहीं भिक्षा मांगने आए। ये सनातन धर्मशाला है, यहाँ के बाबू भाई हैं, ये कभी कभी आते रहे कुछ लेकर के, वो दे जाए कभी। और चुना करके लोग आए लेकिन किसी को कुछ ख्याल नहीं। और वहां से हिमालय जाने को हुआ तो कोई संत बोला कि आप यहाँ हो, कोई यहाँ आपको मिलेगा। मैंने बोला कि गिरनार में सुना है सिद्ध है संत है सब है, लेकिन मैंने कुछ देखा नहीं। तो यहाँ कोई अनुभव करा रहा है कि यहाँ आओ तो दत्तशिला है, वहां रात में 12 बजे जा रहा हूँ, एक शास्त्री मेरे साथ रहे, वहां पर जो है 3 गोला एकाएक आया बाहर से, व्हाइट ब्लू और सफेद, और टकरा करके 3 मेथा भर रहा है। हम महाराज का वहां प्रागट्य देख रहा हूँ, स्पर्श नहीं हो रहा है, देखा, और मेरे अश्रुपात हो रहे हैं, रो रहा। बोले क्या चाहिए बोल। मैंने बोला अदर बोल रहा था, पानी तो नहीं निकल रही, उन्होंने क्या किया खबर नहीं, तो कुछ पानी निकली। मैंने बोला उस इससे बड़ा अधम कोई नहीं कि आपको पा करके फिर कुछ मांगे, आपके चरण में समा जाना परम पद मुक्ति के सिवा कुछ नहीं चाहिए। बोलते हैं कि नहीं अभी कुछ बाकी है तेरा, प्रारब्ध ना भूलते क्षयते कर्म, प्रारब्ध क्षय न हो तब तक परम पद मुक्ति नहीं मिलती है। ध्रुव और प्रहलाद को भी विष्णु मिले हैं, उनको भी परम पद मुक्ति नहीं दिया। बोले कि तुमने इच्छा जो किया है पूरा कर, राजा बनना पड़ेगा, संसार में आना पड़ेगा, सब पूरा करके मुक्ति होगी। तो साहेब वो यादी करके यहाँ बैठा, ब्रह्मचारी जीवन रहा, 80 में
मेरे साथ कोई एक जोगनी माँ आएगी और सिद्ध पुरुष है वो खेचरी तक किया है योग में, वो तो मेरे साथ आएगी, उसके साथ तुमको तुमको ऋषि जीवन में रहना। अब इतने बड़े साधना किया है कोई और किसी बहन को स्वीकार करके संसार में जाओ तो दुनिया में टीका का पार नहीं, लोग क्या कहेंगे। फिर भी गुरु के आज्ञा के सामने तर्क और दलील नहीं। और ये माता जी आई और यहीं पिधी हुई, 5-10 लोग रहे, उनको सबको दिख रहा है कि आसन पर कोई वृद्ध महात्मा बैठा है, कुछ करा रहा है, उन लोगों को दिखे जैसे कि प्रूफ मिले। फिर भी उन्होंने बोला महाराज ने कि तुम फोटोग्राफी रखना और बाद में यहाँ आप लोग फरियाद करेंगे, पुलिस वाले आएंगे, DSP आएंगे, कोई भी आवे तो बोल रहा हाँ मैंने स्वीकार लिया है और हमारी इच्छा ऋषि जीवन में जाने की है। भारत का मानवी स्वतंत्र है, चाहे तो संसार में जाए, चाहे तो ब्रह्मचारी बन जाए, चाहे तो क्या भी बन जाए, लेकिन संन्यास लेकर के फिर रिवर्स में नहीं आना चाहिए। तो तुम रिवर्स में नहीं आ रहे हो, प्रमोशन में जा रहे हो। हमको ऋषि जीवन का दीक्षा दिया, मंत्र दिया और सुन रहा हूं हरिओम दस जय गुरुदत्त। सारे देवी देवता एक मंत्र बोल रहे हैं, बोलते हैं कलयुग में कलयुग का उद्धारक है, इससे सबको ध्यान लगेगा, सबको शांति मिलेगी, अब उसकी बहुत सी इच्छाएं पूरी होगी, लोग करेंगे तो उनको ख्याल आएगा। हरिओम दस जय गुरुदत्त मंत्र दिया। अब उसके बाद माता जी मेरे साथ जुड़ रही, यहाँ जानी साहब DSP रहे, उन्हीं को किसी ने बोला तो चेक तपास में आए और ध्यान हॉल में भेजा कि जाइए आप बैठिए फिर मेरे पास आइए। तो वहां उनको कोई बोल रहा है कि क्या पूछना है, पूछ मैं जवाब दूंगा उसके बदले में। वो छोटे के जगह महाराज खड़े होकर बोलने लगे तो जानी साहब बोले बापा को कुछ पूछना नहीं है, यहाँ कुछ दैवी शक्ति कुछ काम कर रही है, अगर जानी साहब जिंदे हो तो पूछना। वो DSP रहे और जेल के प्रधान रहे, यहाँ आते भी रहे। उसके बाद तो शायद सब CM यहाँ आ चुके हैं, कोई CM बाकी नहीं जो यहाँ न आया हो। लास्ट में मोदी साहब आए, यहाँ CM रहे तब, और उसके बाद आशीर्वाद लेकर भी भारत के प्रधान बने हुए हैं। कोई वो कभी चांस मिले तो हरिओम दशरथ वाले पुनीत बाबू का नाम लेकर पूछ लेना वो क्या बोलते। अभी भी यहाँ कलेक्टर लोग आते हैं, हमें टेलीफोन करूँ उनका पर्सनल सेक्रेटरी तक में है, टेलीफोन लेता है और साहेब को देता है, 5 मिनट कह लेते हैं, लेकिन मैं नहीं करता, हमको कोई काम नहीं है, हमको दिखाना नहीं आपको कि हमको सब लोग जानते हैं, हमको एक बड़ा प्राइम मिनिस्टर जाने दत्तात्रेय उससे बड़ा कुछ नहीं। मैं आप सभी का भला सोचता हूँ, चाहे मोदी साहब हो कि दुनिया का कोई पक्ष हो, सबका ईश्वर कल्याण करे, जो सही मार्ग में चलता हो, सच्चाई को मानता हो, नीति नियम को मानता हो और करुणा दया सत्य से भरा हुआ हो, वो चाहे कोई भी पक्ष हो उसका विजय हो, उसका कल्याण हो, यही मेरी भावना है। पक्षपात नहीं करता हूं, कोई स्वार्थ मुझे नहीं है, राग द्वेष ईर्ष्या नहीं है कि इसका पतन हो जाए, इसका उत्थान हो जाए, जो कर्म करेगा अपने आप भोग लेगा। तो बोले कि परदेवी सुक्त में माँ जो है वो यहां लाई। माँ ने बोला कि तुम इतनी भजन किए हो तो गुरु के अगर कुछ होता नहीं है तो तेरे को सच्चे गुरु मिला रहा हूँ, दत्तात्रेय हमको बोल रहे हैं और यहाँ माँ के पास रख दिया है, अब बहुत मस्त फकीर हूँ, आपके सामने अभी जिंदा नहीं रहूंगा तो भी मैं रहूंगा, मरने वाला नहीं हूँ, अभी नहीं रहूंगा तो दत्त भगवान बोले कि चल तेरे को सिद्ध मंडल बता रहा हूँ, एक मंत्र का प्रभाव बता रहा हूँ। तो बोले कि दीपड़ा बन, हावज बन, हमके कैसे बनू,
बन करके फिर मनुष्य बन जाना। भाई तो परम रस रागत तो नहीं आता है, तो किसी किसी को बनाकर बता रहे थे तो एक बार हमारे इस रूम में दीपड़ा आया 12 बजे, बोला खाना दे। तो मैंने बोला दीपड़ा है ना, बोल हिंदी में बोलता है। मैंने बोला क्या दू, तो केला दिया, तो खाया आधा केला, आधा छोड़ दिया। बोला तू खा जा, और दीपड़ा का हेठा रहूं ना, कुछ भी हो ना जाए, लेकिन फिर सोचा कि हिंदी में बोल रहा है तो कुछ होगा, तो केला खा गया। बोला पानी दे, तो गिलास में दिया। सच्ची घटना है, भगवान के सामने बोल रहा हूँ। तो पानी गिलास में दिया तो ऐसा क्या तो नाक में चला गया, तो थोड़ा पीकर रहने दिया। एक मूर्ख इतना पढ़ा लिखा आदमी को समझ लीजिए कि जानवर का पानी किस में देना चाहिए, तपेली में देना चाहिए, गिलास में दिया जाता है। तो मैंने सोचा कि हिंदी बोल रहे हैं, हमने सोचा कोई सिद्ध पुरुष बुजुर्ग है तो क्या खबर। तो उनको ऐसा ऐसा हुआ। तो मैं कल जो है यहाँ आ रहा था, तो हमारे यहाँ दो एक आदमी टीवी खोले, टीवी तो उसमें हमको हंसी आने लगी। उसमें मोदी साहब का पिक्चर बता रहा था, भागो सिंह आया, तो मोदी का चेहरा बताया, उसमें हावत बता दे, आ फिर उसमें से मोदी बन जाए। तो मैंने बोला ही तो मैंने देखा है। जब आप लोग मानुष को हावत बना दो और उसे उससे फिर मानुष बना दो, ये आपके पास विज्ञान है, तो महाराज का विज्ञान तो पहले से है। हमारे यहाँ बहुत से नौकर यहाँ रखा, अब वो नहीं है, लोग गुजर गए। तो रात में निकले तो उनको अलग अलग जानवर दिखाई पड़े। यही यही की बात कर रहा हूं। तो एक बार एक भाई आया कि मैंने बोला ऊपर जा रहा हूं ध्यान रखना, तो उस गेट पर आया तो दीपड़ा बैठा है, इधर आया तो हावत बैठा है। तो भाग गया, बोला कि यहाँ तो चौकी की जरूरत नहीं है, अब मेरे पास तो कुछ रहता नहीं है साहेब, आपसे बनावट नहीं करता हूँ, मेरे पास जो है सब भगवान का है, भेद पेटी कोई ले जाएगा तो खोल लेगा, तो जो भी लेगा ले जाए, हमको तो आप कोई धरते नहीं हो, लेकिन को देना हो तो चेक फड़ा लो, पहुंच फड़ा कर दो कि सरकार को तकलीफ ना पड़े, ऑडिट में ना चेकिंग में, इसीलिए सबको ही भेज देता हूँ। हमको रोज केला सफरजन की सूरज मिल जाता है, कभी हवन कराता हूँ तो उसमें कुछ खर्चा होता है तो कोई दे देता है, पंडितों की दक्षिणा भी आ जाती है, सामान भी आ जाता है, बहुत मस्त रहता हूँ, लेकिन बहुत खुश। आप लोग हमारे परिवार के हो, सब मेरे हो, ये मान कर जीता हूँ। मैं आपका हो कि नहीं मुझे खबर नहीं, लेकिन आप सब मेरे हो इस भाव से प्रेम करता हूँ। और आप लोग यहाँ आते हो तो सबको बोलता हूँ कि ध्यान रखना कि खाने पीने चाय पहले की किसी की कमी ना हो, ये बोलते रहता हूँ। अब सबकी इच्छा हो कि आप मंदिर बने, तो मंदिर कहाँ से बने, तो कोई बोला आपको सपना में दिख रहा है कि हनुमान जी के पास सोना गड़ा है, अगर हनुमान जी को बोलू दादा निकाल दो तो झट मंदिर बन जाए, तो दादा तो देते नहीं है, अभी तक तो प्रार्थना कर लिया सोना नहीं निकला, अब कैसे बनेगा। तो उसमें भी चल रहा है, अमेरिका से एक अग्रवाल जी हैं, वो 5-7 करोड़ दे रहे हैं, और कुछ और भक्त लोग इसमें नाम लिखा रहे हैं कि बनेगा तो वो सब करेंगे, पत्थर भी आ जाएगा, मजदूरी भी आएगी, मंदिर भी बन जाएगा, हमको विश्वास है कि बन जाएगा, चाहे मेरे पास कुछ है कि नहीं इसकी चिंता नहीं, जितना भी खर्चा होगा भगवान पूरा करेगा। यहाँ पैसे की कमी, इंडिया आपको बोला फॉरन जाओ, हम तो फॉरन जा आया हूँ, लंदन, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, सब फिर आया, सब जगह मंत्र का पर्चा दे आया कि मंत्र बोलो ध्यान दो लोगे तो बोलो। जर्मनी में जाकर पूछिए, वहां भी चैलेंज के साथ बोला कि बोलो ऐसा ध्यान लगा, और जर्मनी वालों को ध्यान लगा, बोलो बोले वी हैव नो टाइम, हमको जितना भी समय हो थोड़ी समय बैठो, 15 मिनट, वी हैव 50 मिनट, हमको नो डाउट, 15 मिनट बैठे,
आज जब ध्यान लगा हमें आपका टाइम पूरा हो गया, जाओ यू कैन गो, ऐसे ऐसे हाथ करें। वी आर सेटिंग इन फ्रंट ऑफ बापू, वी आर सो मेनी पीस, सो वी आर सेटिंग, हम लोग को बहुत शांति में इसलिए बैठा हूं, जर्मनी में, लंदन में, अमेरिका में, सब जगह कोई नहीं बोलेगा कि एक पाउंड की डॉलर महाराज ने मांगा। अपना खा पी करके भारतीय संस्कृति का प्रचार करके आया हूं कि भारत में सब लोग मांगने नहीं आते हैं, भारत बहुत समृद्ध है, आध्यात्मिक खजाना है, देने आते हैं, लेने नहीं आते। मैंने पूछा आपको क्या चाहिए, कि यहाँ हमारे पास सब है, वी वांट पीस एंड वी फील पीस इज एवरीथिंग। तो शांति आप इतना दे रहे हो, हम 17-17 माइल से चक्कर आ गए और अभी भी वहां केंद्र चल रहा है, मैं गया नहीं, 6-8 वर्ष हो गया, 10 वर्ष, दोबारा वो लोग बुला रहे हैं, गया नहीं, बैठा हूं। यहाँ बहुत शिविर किया, 6 वर्ष, सारे यूनिवर्सिटियां हमको बुलाई और सबके सामने ध्यान लगाया, 8-8, 10-10 घंटा, 16-16 घंटा ध्यान लगा, फिर हमको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, महाराज तंत्र जानते हैं, मंत्र जानते हैं, विद्या जानते हैं। अगर विद्या से ध्यान लग जाता हो और भगवान मिलता हो तो क्या बात है, लेकिन ये लोग समझते नहीं है कि महाराज ने वरदान दिया है, इसे ध्यान लगेगा और सबको शांति मिलेगी और उसका कोई भी काम जटिल होगा श्रद्धा से करेगा तो भी पूरा होगा, बहुत कुछ बोले हैं। अब पर्चा दे रहा हूं, लेकिन यहाँ यूनिवर्सिटी का कोई हो तो उनसे पूछिएगा कि लोग डर जाते रहे कि इनको नहीं बुलाने का, 8-8 घंटा ध्यान लगाए तो क्या होगा, लेकिन आप लोग बुद्धिमान हो, उठ बैठ आप लोगों को अच्छा लगता है, ऐसे ऐसे हाथ करो, ऐसे करो, उठो, खेचरी करो, पेट अंदर ले जाओ, ये आसन प्राणायाम है, प्राथमिक भूमिका में बहुत जरूरी है। अच्छा, इसको ध्यान नहीं बोलते हैं, ध्यान उसको बोलते हैं कि आप इच्छा करो कि मुझे ध्यान लगे और मैं इच्छा करूं कि आपको लगे, तो 100 माइल दूर होगा तो भी आपको ध्यान लगेगा। अगर जिसको परीक्षा करनी हो विश चैलेंज, तो महाराज बोलते हैं सही है, तो आप 15-20 मिनट 5-7 दिन अपने रूम में बैठ करके हरिओम दर्शन जय गुरुदत्त, हरिओम दर्शन जय गुरुदत्त, वाचा खोल कर बोलिए और अपने भगवान के पास बैठिए, आप जिसको भी मानते हो, चाहे राम कृष्ण शिव हनुमान महाकाली आना महावीर भगवान बुद्ध भगवान अल्लाह खुदा, जिसको भी आप मानते हो, अगर ये मंत्र ध्यान लिए आया हो और शांति देता हो, इसके अंदर कुछ वरदान आशीर्वाद हो, आज मुझे भी पर्चा मिले तो मैं भी मानूंगा। देखो आपको उसके बाद हमको लेटर लिखो, न अनुभव तो मेरे यहां ना, इससे ज्यादा क्या प्रूफ करो, आप वृद्ध हैं, आपसे भजन नहीं होता है, खाट पे बैठे बैठे मंत्र को ध्यान लगेगा, शांति मिलेगी। अहमदाबाद गया, एक प्रोफेसर रहे जो कि पेपर सोचते रहे, जो PhD करते उनका पेपर सोचते रहे सोधे, तो उनको कुछ आशीर्वाद दिया, वो बीमार पड़ गए। अब कौन रहे, अनिल मुकिम साहब के भाई हैं उनके ससुरा, जो आजकल सारे भारत के बैंक के सेक्रेटरी हैं, अनिल मुकिम साहब, उनके उनके भाई के ससुरे प्रोफेसर है, अभी शरीर शायद उनका शरीर नहीं है, तो घर में क्या बोले कि मुझे 3 माथे में कोई महात्मा दिखा करते हैं और दत्तात्रेय हैं, बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं, तो लोग बोले असंभव है। मैंने बोला इन लोगों को कि आशीर्वाद दिया, विश्वास नहीं है, आजकल के जमाने में प्रूफ दे देकर थक जाना है, क्या कहें। और कितने बार बोला कि जितने 200-500 वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, संशोधक हैं,
मानने वाले हैं कि नहीं मानने वाले हैं, उनमें से 100, 200, 500 को इकट्ठा करो, हमको बोलो तो 5 दिन करा दू, उनसे पूछो क्या अनुभव हुआ, उसके बाद बुक लिखो, कि लोगों को ख्याल आवे कि आप इतने वैज्ञानिक नहीं मानने वाले को क्या हुआ। सूरत से एक भाई आए रहे, सत्य सदर समिति वाले, वो नहीं मानते रहे, यहाँ बैठे ध्यान लगा तो खड़े होकर बोलने लगे कि मैं मानता नहीं रहा, लेकिन आज बहुत अनुभव हुआ, तो मैं समझता हूँ कि मंत्र में कोई शक्ति है। भाई मंत्र दत्तात्रेय का है, सदगुरु का है, इतने परसों खप करके अपना, मैंने मेरे को बोलते बापू आशीर्वाद दो, आशीर्वाद आपो बापू, आ आपो 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 शब्द 60 बरस सुन रहा और दिया किया। अब मंत्री बना तो उसके बाद मैंने बोला कि अब मैं बोलता हूं तमें आपो, तो आपको शब्द सुन करके लोगों को कुछ होने लगता है, बापू को क्या देना, अरे भाई हमको मत दो, पैसा मैं नहीं मांगता हूँ, तुम्हारे पास हो तो चेक से मंदिर में दो, पहुंच फाड़ा करके दो और पत्थर डलवा दो, कढ़ाई करा दो, नाम लिखा लो, चैरिटेबल ट्रस्ट है, यहाँ का ट्रस्ट ऑडिट होता है और यहाँ सब सब लोग बड़े बड़े लोग ऑडिट कराते हैं, हमको कुछ लेना देने, लेकिन मेरा शरीर छूटे ना तो लिख दिया हूं कि ट्रस्ट में से मेरे पीछे कुछ खर्चा मत करना, मैं मरूंगा तो 25-50 हजार रहेगा, उसी में से गरीबों को बांट देना, खिला देना, हमको भंडारा भंडारा नहीं करना है, मैं जरूरतमंद के लिए जी रहा हूं, जरूरत पड़े तो उनको दो, उनको दो, और मैं जिंदगी में भीख नहीं मांगा हूं, भगवान का भेख लगकर जो मांगता है ना उसको शर्म आनी चाहिए, मैं नहीं स्वीकारता हूं कि भजन करता उसको भीख क्यों मांगना, खाने भर को दे देगा आपको, करो भजन। तो जितने दैत्य राक्षस हैं वो तो गुरु और गणपति की प्रेरणा से भजन किए हैं। आप लोगों को बहुत सरल रास्ता बता दिया, गुरु न हो तो दत्तात्रेय को गुरु मान करके साधना करो, चाहे कोई भी मंत्र हो, किसी महाराज से लिए हो तो करो, कोई मंत्र न हो तो हरि ओम से जब गुरुदत्त रोज करो, और पहले गम गणपते नमः एक माला करो, विघ्न हर्ता गणपति का पहले स्मरण करो, उसके बाद हरि ओम दशरथ करो, और उसी मुनि के चरण में माँ का ध्यान करो। एक बात समझना कि ब्रह्मा विष्णु महेश की संयुक्त शक्ति जो है वो दत्त है, वो दत्तात्रेय है, और संयुक्त शक्ति का मतलब है कि व्यापक चैतन्य ब्रह्म तत्व जिसको सदगुरु बोलते हैं। अब उन्हीं के चरण में 3 शक्तियां हैं, महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती, अब वो व्यापक 10 महाविद्या के स्वरूप में है, 10 महाविद्या जो अनंत कोटि ब्रह्मांड की नायिका है, वो स्वरूप माँ का है, सदगुरु चरण में वो भी है, दत्त की उपासना में माँ की उपासना भी हो जाती है और ब्रह्मा विष्णु महेश की उपासना हो जाती है, कोई देव बाकी नहीं रह जाता है। उसके बाद आप देख लो तो आपको राम का कृष्ण का दर्शन होगा, हनुमान का दर्शन होगा, स्वामी नारायण भगवान दिखेंगे, नेमिनाथ दिखेंगे, चक्रेश्वरी माँ पद्मावती माँ दिखेगी, सब दिखेंगे, जगदम्मा पधारी है, बोलो सतगुरु की जय, बैठिए आप लोग। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मंत्र में बड़ी शक्ति है, इतना सरल मंत्र आपको कोई देगा नहीं, आपको दत्तात्रेय गुरु है तो अपने गुरु में श्रद्धा रखना, उनके चरण में प्रेम रखना, गुरु में श्रद्धा ना हो तो कुछ नहीं मिलता है, चाहे कुछ भी हो चला जाता है, गुरु रुष्ट हो गए सब खलास हो जाता, इसलिए
अपने जो गुरु हैं उनमें श्रद्धा रखना। आप गुरु न किए हो तो दत्तात्रेय को गुरु मान कर चलो, गणपति का स्मरण करो, दत्त को गुरु मानो, मंत्र जाप करो और थोड़े दिन में देखो पर्चा कि क्या होता है। आप कोई गुरु ढूंढोगे तो चेला बनाएगा, चौकिया काटेगा, भेख देगा और चेला बना लेगा। दर वर्ष गुरु पूर्णिमा को दक्षिणा देना होगा, यहाँ तो कुछ देना लेना नहीं है। 75 से महाराज का मंत्र दिया हो लोगों को, आराम से जप कर रहे, आनंद में है। गुरु पूर्णिमा को मैं एको पैसा दे लेता हूँ किसी से। दक्षिणा देना हो तो अपने अंदर के सारे दोषों को रख करके क्लीन और अच्छा स्वस्थ बन करके जीवो रहो। मानव जीवन जो है बहुत दुर्लभ है। इंद्र को भी प्रार्थना करनी पड़ती है कि भूल से मानव इंद्र बन गया, लेकिन अब शरीर मानव का मिलेगा तो मुक्ति और परम पद मांगूंगा। देवता लोगों को भी मानव शरीर दुर्लभ है, आप लोग सब भाग्यशाली हो। मानव शरीर प्राप्त करके केवल खाने सोने कमाने में मत बिता देना। 1 घंटे 1.5 घंटा सुबह और शाम मालिक की बंदगी करना। और जीने का रास्ता यह है कि महाराज आपने जन्म दिया है, मेरे अंदर आप बैठे हो तो मेरे अंदर जो करुणा दया क्षमता सत्य सेवा की भावना भरे रखना। हमेशा मैं काम करूं और मेरे अंदर कराने वाला आप रहना, मैं कुछ नहीं करता और आप ही कराते हो, आप ही सब कुछ करते हो, जो कुछ हो रहा है आपकी इच्छा से हो रहा है, ये मानकर जियो। खूब कमाओ, खूब भगवान आपको दे, आनंद से जियो और उसमें से कुछ गरीबों को असहायों को परवार करो, देव और ईश्वर को हमेशा समर्पित रहो, आपका कल्याण होगा। अब मानव का यही धर्म है कि हमेशा ईश्वर को समर्पित होकर के जीना चाहिए, सबका भला सोचना चाहिए। अगर आपको कोई बुरा सोचेगा वो अपने आप दंडित हो जाता है, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, वो खुद कुछ ऐसा करता है कि वो आदमी दंडित हो जाए। उमा क्षमा साप उते भारी, अपने पाप जा ही अपकार। हे उमा, क्षमा इतना बड़ा अस्त्र है वो सामने वाला का संहार कर देता है। क्षमा में इतनी ताकत है, सहन शक्ति में। तो मानव शरीर प्राप्त करके और इस शरीर से सुबह और शाम गणपति गुरु इष्ट का नित्य बंधन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। आप लोग को भगवान नहीं चाहिए, कुछ चमत्कार भी नहीं चाहिए, कोई चाहता भी नहीं है कि इतना भजन हम करें। जो हमारे जैसे कोई एक आदमी निकल जाता है इसमें, जब जीवन को अर्पण कर दिया, तो मैं क्या बोलता हूँ कि मेरे को बोलते हो कि प्रभु आशीर्वाद देना, तो मैं प्यार कुछ सही नहीं है, मैं तो उनको अपा गया हूँ, अर्पण कर दिया हूँ। आज जीवन की सारी कमाई जिससे कि लोगों को शांति मिले, कल्याण हो, सही मार्ग में चले, ऐसा वरदान मांग लिया है और आपको दे दिया, अब क्या दो, सब दे दिया आपको, इससे ज्यादा और कोई क्या देगा। इसके बदले में आप रोज भजन करो और अच्छे विचार के साथ जीवो रहो, ये मेरा संकल्प। अहंकार से दूर रहना चाहिए, दूसरे को आगे बढ़ते देखकर खुश रहो, अहंकार नहीं लाना चाहिए। तो संतोष दया करुणा दया समता सत्य न्याय, इसी को बोलते हैं धर्म, इसी से सृष्टि टिकी हुई है। मनुष्य संतुष्ट हो जाए और जगत के बीच में उसका मन चला जाए, भगवान का महत्ता कमती हो जाए, उसका कोई कीमत नहीं है। ये शरीर प्राप्त करके भटकना नहीं चाहिए, लेकिन आप नौकरी करो, धंधा करो, व्यापार करो, बिजनेस करो, सब में ईश्वर को निहारो,
कि तुम्हारे कृपा से सब हो रहा है, इतने यादें रखो, करो सब कुछ, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका, सब सही रहेगा। उसको सामने रख कर चलो। वो तब तो ऐसा है कि समझ में नहीं आएगा, आपके साथ में है, हरिओम दर्शन करके आप कहीं भी ध्यान में बैठो वहां अनुभव होगा, इसका मतलब है कि आपके साथ में है। मंत्र जो है वो सदगुरु का स्वरूप है। तो जगदम्मा का जन्म दिवस, इस पर बोलना का मतलब क्या है कि इनका भी जीवन ऐसे ही है, छोटेपन से पढ़ी है, इनको भी डिग्री मिली है, हर जगह गोल्ड मेडल मिला है, ग्रेजुएट हुई और फिर भी भजन करती रही महीना महीना, सदगुरु के चरण में है। थोड़ी तकलीफ तो होती है जीवन में, ये तो होगा ही किसी के भी जीवन में जो साधना करे, उपासना करे, अच्छे मार्ग में चले, संकट तो आता है, इसे घबराना नहीं चाहिए और हमेशा अपने स्वभाव को बदलना नहीं चाहिए। आपका स्वभाव मंगल में कल्याण में ही रहे, दुनिया को जो बोलना हो बोले, सबका भला सोचो, कल्याण करो, तो भविष्य में क्या होगा कि यहाँ का एटमोस्फियर अच्छा रहेगा, यहाँ का सोहम बदला हुआ रहेगा, यहाँ आते ही आपको शांति लगेगी, कोई प्रपंच नहीं देखेगा, अभी है ऐसे ही। आप जितने कुटीर में जो बैठे हुए हैं उनको आप देखेंगे, सब माला फिरा रहे हैं, जप कर रहे हैं, टाइम में जाकर खाना खा आते हैं और फिर भजन करते हैं। यहाँ के रसोईया को, काम करने वालों को ही बोला हूँ, भगवान का नाम लेते लेते सब करना, रसोई भी बनाना, कोई खाएगा उसका भी मन शुद्ध हो, और भगवान के लिए बना रहा हूँ, ये भगवान को भोग धराना है, ऐसे करके बनाओ और भगवान को भोग धरो, जनता जनातर को खिलाओ, वही हो रहा है यहाँ। इसलिए कोई भी आता है, आते ही शांति मिलती है। तो मंत्र जाप दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप में दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए। हरिओम दर्शन में तो थोड़ी श्रद्धा रखोगे, तुरंत पर्चा मिलता है आपको, पढ़ने में सुख बता दू तो नहीं होगा, वो संस्कृत में है, बहुत बड़ा है, करोगे तो होगा नहीं आपसे, और करिएगा तो दो चार दिन होगा, 25-30 वर्ष नहीं कर सकेंगे आप, क्योंकि आप सब माया लेकर बैठे हो, सब छोड़ना आपके लिए सरल नहीं है। तो कोई एक का छोड़ देता है वो आप में ही है, वो भी है, मैं भी आपका हूँ, आपने हमारे पर खूब भाव रखा, प्रेम रखा, करुणा किया, दया किया, तो मैं यहाँ पहुंच गया, तो आपकी दया है, आप लोगों का संकल्प भी मेरे साथ है और मेरा संकल्प आप लोगों के साथ है, सब जुड़ा हुआ है। मैं चाहता हूँ आपको ध्यान लगे, शांति मिले, तो होता है, इसलिए इसमें जरा भी शंका नहीं है। अब जो है प्रूफ नहीं देता हूँ और आपकी भाषा में चमत्कार है वो नहीं करता हूँ, हमारी भाषा में असलियत है, वास्तविकता है, और ज्यादा बता दे उसकी जरूरत अभी लगती नहीं है, फिर भी कोई आ जाते हैं उनको पर्चा मिल जाता है, ये जगह ऐसी है, चैलेंज नहीं कोई कर सकता है, गिरनार में क्या नहीं है, गिरनार में सारी दुनिया की शुद्धि भरी हुई है, हिमालय से कुछ भी कमती गिरनार नहीं है, गुजरात के अंदर सौराष्ट्र जो है सिद्ध भूमि है, देव भूमि है, संत भूमि है, सब संत यही जाते आए हैं, और गिरनार में सब भरे पड़े हैं, एक गोपी चंद, एक भर्तृहरि, एक सहस्रार्जुन, बड़े बड़े जोगी जति यहाँ बैठे हुए हैं, सब छोड़ छाड़ करके उनका त्याग को देखो तो भगवान की कक्षा में पहुंचे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि नहीं है, हैं। एक बड़े डूंगर में नागी माँ रहती है, वो यहाँ भी रहती है, नागी माँ वो भी बहुतों को दर्शन देती है, आदि शक्ति के स्वरूप में है, बहुत लोगों को मिलती भी है, वो माता जी भी है यहाँ सिद्ध भूमि में,
गिरनार भरपूर है, इसलिए मैं तो कोई सिद्ध पुरुष नहीं हूं, हमें मंडलेश्वर महामंडलेश्वर गादीपति भी नहीं हूं, जंगली हूं, जंगल में रहता हूं, भजन करता हूं बस। गादीपति आप रहो, महामंडलेश्वर आप रहो, जगत गुरु आप रहो, मेरे को तो एक जंगली मानकर दया रखना, भजन करने देना, ऐसे मैं जीता हूं। लेकिन जब कोई चैलेंज कर दे कि गिरनार में क्या है, तो मेरे को बुलाना, बैठा हूं कि गिरनार की महिमा क्या है आपको बता दूं, क्या चाहते हो, गिरनार में क्या देखना चाहते हो, ऐसा कोई आ जाता है तो बता देता हूँ। फॉरेन से लोग आए रहे, अमेरिका से, उनको बहुत पर्चा दिया, यही वो समय चला गया, समय काफी हो गया, लेकिन अब इसमें कुछ मजा नहीं है। इतने करोड़ को कितना प्रूफ दूँ, आपको दिया तो दूसरे को समझ लेना चाहिए है कुछ। इसलिए एक तो मंत्र जाप के विषय में आप लोग नियमित संकल्प कर लो कि हमको रोज इतना जप करना है, एक माला गणपति का करूंगा और रोज का 1 घंटा के आधा घंटा हरिओम दशरथ करूंगा, जितना माला हो उतना रोज करो, अगर और वर्षों तक करके क्या आपका संकल्प है, तो हमारा काम ये हो अथवा ऐसा हो अथवा हमारे पर कृपा बरसे कि दर्शन हो, संकल्प करके करो, थोड़े दिन देखो पर्चा मिलने लगेगा, लेकिन गेप नहीं करना, विदाउट गेप करो, पर्चा मिलेगा आपको और आपका कल्याण होगा। तो आप सोच लीजिए कि मैं भिखारी तो नहीं हूं, खाने बगैर मर नहीं रहा हूं, मेरे को खाने को तो मिल जाएगा, बहुत कला जानता हूं, खाली भजन गुरु भेजते हैं और ये जगदम्बा भी भूखे नहीं मरती है, हमको कोई हड़कवा वाला कुत्ता नहीं काटा है कि पागल होकर मैं कुछ कर रहा हूं। लेकिन मानव जीवन का धर्म है कि खुद जीते हुए ऐसा वृक्ष बने जिसके पीछे हजारों पशु पक्षी मानव का भला हो, इसलिए मेरी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए कि मैं हूं तो भी लाखों लोगों को शांति मिले, और नहीं ना नहीं रहूं तो करोड़ों को मिलेगा। जितने संत चले गए हैं उनका नाम लो ना पर्चा मिलता है, ये धर्म ऋषि जी हैं, अकलकोट के स्वामी जी हैं, दयानंद सरस्वती जी भी बड़े सिद्ध पुरुष रहे, शिरडी साईं बाबा है, नाम लेते हैं ना काम होता है, देख लो। अभी कभी कभी मैं भी सुनता हूँ कि शिरडी में 10 करोड़ आया, 20 करोड़ आया, हाँ बाबा रहे तो तेल नहीं मिलता रहा दीवा करने के लिए, और भिक्षा भी नहीं लो देते रहे, चल सबका मालिक एक करके चल देते रहे, कभी नाराज नहीं होते रहे, दिया उसका भला नहीं उसका भला, ओ साईं बाबा को आज सोना का मुकुट चढ़ता है, क्या काम का, अभी बाबा को क्या चाहिए सोना चांदी, लेकिन आपको जब 10 करोड़ देते हैं तो आप 2 करोड़ वहां दे आते हो, आप बड़े उदार नहीं हो, इतना मिलता है तो इतना देते हो तो भी वो खुश है, आप लोग कोई दाता हो ना दानी, ऐसा नहीं, सब सब लोग दान फिर कर्म नहीं है, इतना होता है तो इतना देते हो, तो भगवान देता है ना तो नाम नहीं दिखाता है, आप देते हो तो पहुंच पढ़ाते हो, उसमें भी कंसेशन, 10,000 दो ना तो पहुंच पढ़ाओगे, तो उसमें भी 1,000 रुपया का फायदा तो कर दिया, दान देकर भी तो भी अच्छा है, देते हो कुछ करो अच्छा करो, भगवान देता है तो कुछ नहीं नाम लिखाता है, पवन पानी अग्नि के ऊपर मेड बाय गॉड नहीं लिखा है, पवन पानी अग्नि उसने बनाया है, सारी सृष्टि निर्माण उसने किया, उसका सही नाम नहीं है, सब आपको सौंप दिया है, तो समर्पित होकर के जीना यही मानव जीवन का धर्म है, हमेशा विनम्र रहो सरल रहो, अहंकार नहीं आने दो, काम क्रोध लोभ से बचो,
सबका भला सोचो और जो बोलते हो पालन करो, बोल करके फिर नहीं जाने का। मैंने एक सत्संग लिखा है दान की महिमा, यहाँ दिखाया है इस जो पढ़े लिखे हो समझदार पढ़ लेना है कॉपी दे करके, उसमें दिखाया है बोल कर फिरना नहीं। हरिश्चंद्र ने स्वप्न में दान दिया विश्वामित्र को, अब वो हाजिर हो गए हैं दिवस में कि बोला है लाभ दे, बोला है कि हाँ तो उतर जा गलती कर से। विश्वामित्र बोले हरिश्चंद्र उतर गए, बोले कि ये व्रत मेरा है निष्क्रिय भूत द्रव्य दे, दान देने के ऊपर कुछ और दिया जाता है जिसको निष्क्रिय भूत बोलते हैं। तो खजांची को बुलाया हरिचंद ने, महाराज जी बोला जैसा मेरे को दे दिया तब खजाना तेरा कहाँ है, उसके लिए और कुछ कर। जा करके काशी में बिके हैं, हरिचंद घाट पर चंडाल भर कर नौकरी किए हैं और नौकरी करके ऋण चुकाए हैं। आज उनका हरिचंद लोक पड़ा हुआ, हरिचंद लोक समझे आप लोग, बोल कर फिरना नहीं। भगवान जो है एक सोलो का इंद्रो चुक्ष भमंत पूर्व बोध दी, भगवान लक्ष्मण जी ने बोला है कि मैं लंका देख करके आया प्रभु, आप तो जाएंगे नहीं, आपका संकल्प है कि मैं अयोध्या में ही जाऊंगा भरत की तपस्या में और कहीं नहीं जाऊंगा। तो मैं लंका में गया और ऐसी ऐसी अमूल्य वस्तु है जो अयोध्या में न मिले, तो आप बोले तो कुछ यहाँ से ले जाए। तो राम जी बोले कि ये विश्वामित्र जामवन से पूछो, तो जामवन से पूछने गए। जामवन ने बोला कि प्रभु ने हमारे पास भेज दिया है, इनको मैं क्या जवाब दूं, लेकर शोक बोला है कि इंद्र के जब दो आंख रही तब भी देखा, अभी इंद्र के हजार आंख हो गई है तब भी हूं। दरिया पहले मधुर था अब खड़ा हो गया तब भी देख रहा। ब्रह्मा के पांच सर थे अभी चार है वो भी देख रहा। पहले पहाड़ और घोड़े उड़ा करके गए, अभी पक्षहीन है इंद्र ने काट दिया है तब भी देख रहा। लेकिन इतने बड़े समय में दत्ता पहाड़े बिना किसी को कुछ बोल कर भेज दिया हो और फिर उसमें से कुछ लिया जाए न दिया जाए, ये मैंने कभी देखा नहीं इतने बड़े सृष्टि में। इसलिए कभी कुछ संकल्प मत करना, ये काम कर दू ना आपको ये कर दू ये दे दू, संकल्प मत करना। बोल दिए हो तो पूरा करना, नहीं तो कितने जन्म तक पूरा करना पड़ेगा, बच नहीं सकते हैं आप। बोलने के बाद चुपका नहीं है तो भी भगवान के सामने और कोर्ट के सामने और गुरु के सामने कभी मत कुछ बोलना, बोलोगे तो उस पर जजमेंट हो जाएगा, समझे आप लोग, उस पर जजमेंट होता है। इसलिए मेरा कहना यह है कि सत्य बोलना, संकल्प शुद्ध रखना, आत्म संशोधन करते रहना चाहिए। आपके हृदय में हाथ बैठा हुआ है, आप भगवान को बाहर ढूंढ रहे हो, वो है आपके अंदर, लेकिन आपको ढूंढने नहीं आता है, कैसे मिलेगा ये आपको खबर नहीं है। इसके लिए कोई समर्थ गुरु को बताता है। तो मैं क्या बोलता हूँ कि हमारे यहाँ कोई आते हैं तो दत्तात्रेय महाराज के पास इसीलिए ले जाता हूँ कि अमुक बातों जो है आप ही नहीं बता सकते हैं और कर सकते। तो भगवान दत्त जो है बहुत प्रज्ञा दिए हैं और ध्यान के मार्ग से अंदर ले जाते हैं। तो बोलते हैं कि पांच तत्व का जो शरीर है वो बेटा तुम नहीं हो, पांचों तत्व अलग अलग है, हड्डी है मांस मज्जा है, इस शरीर में तुम बैठे हुए हो।
मन चित बुद्धि भी अंतःकरण चतुष्ट है वो आप नहीं हो, उसका भी दृष्टा हो। 36 तत्व जो है वो तुम नहीं हो, तुम सबका दृष्टा आत्म तत्व हो, वो तुम हो। तो इतना सुनाऊंगा तो लोग बाचे हुए होते हैं, तर्क तो करते हैं ये कैसे समझ पाएगा। तो गांधीनगर के सहायक आ रहे, उनको थोड़ा पर्चा दे दिया, उनको ध्यान लगा उस साहेब को, उनका नाम अभी याद आए तो बताता हूँ, और डिप्टी सेक्रेटरी रहे। उन्हें दिखा कि मैं शरीर से बाहर हो गया हूँ और मेरे को कोई महात्मा बोल रहे हैं, देख ये तू है। मैंने बोला हाँ, और तू यहाँ भी खड़ा है। बोले कि मैं ये हूँ, वो तो मेरा शरीर है। बोले कि खंजर ले, इसको पांच कट्टा कर ले। तो मेरे को खंजर दिए तो डर लगने लगा कि मैं जाऊंगा कहाँ। फिर भी उनका आदेश मान कर पांच कट्टा किया। उसके बाद जो है नींद खुली, ध्यान खुला तो घबरा गया, देखा तो शरीर ठीक है, खटा नहीं है। दूसरे दिन फिर ध्यान में बैठा, मैंने बोला कि अब डरना नहीं। फिर बैठे तो बोला कि तीन कटका कर। मैंने सोचा पांच कटका करके भी मारा नहीं तो तीन में भी कहीं हर्जा नहीं, तो तीन कटका दिया। उसके बाद बोले कि कल फिर जाना, और भी बाकी है। तो उसके बाद राजेंद्र से टेलीफोन आ गया, जरूरी इनको जाना रहा। तो बोले इसका मतलब क्या है? तो बोले वो महात्मा बता रहे हैं कि महाराज से पूछना उनको बताया है। तो बता रहे हैं कि पांच तत्व अलग किया और तीनों तीनों प्रकृति को अलग किया। अब जब तीसरे दिन अंतःकरण चतुर्थ अलग कर रहा था, उसके बाद तेरे को बताना था ये तू है, ये आत्मा है जो सबका साक्षी है, दृष्टा है। आपके कोई जाति नहीं है, कोई वर्ण नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है। आप जहां जाते हो वहां का सरनेम अटक लेकर रहते हो, और अलग अलग संप्रदाय में जाने के बाद आप स्वामी नारायण हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, वैष्णव हो, सही हो, सरनेम ले लेते हो। और लेकर भी जागृत रहना, तुम सबका साक्षी और दृष्टा है, तुम किसी में नहीं हो, सबसे पर हो, सबका तुम साक्षी और दृष्टा है, वो तेरा स्वरूप है। इसलिए कभी भ्रम में मत रहना, लेकिन सबका सम्मान करना, सबका आदर करना। जहां जो भगवान भी गए हाथ जोड़ना कि प्रभु आप एक ही हो, आज यहाँ इस स्वरूप में हो, प्रणाम करो। कोई समझे नहीं कि आप क्या हो, लेकिन सबके अंदर एक ही स्वरूप देखो, सब व्याप्त तत्व एक ही है, सब में वही है, यही सच्चा ज्ञान है, यही सच्ची साधना है। अब ध्यान यही बताता है, सहज ध्यान में यही आता है, सहज ध्यान में सहज आपका जो स्वरूप है वो बता दिया जाता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन आनंद सहज सुख राशि, अपना सहज ही आनंद और परमा शांति का स्वरूप है। और भ्रम में पड़ गया है, भूल गया है, इसलिए अपने को जहां रहता है वही समझ लेता है। आप जहां हो वही रहो, वही हो, लेकिन नाटक के स्वरूप में रहो। आप डीएसपी हो, मेरा कोई काम बड़ा आपने कर दिया, थोड़े दिन के बाद फिर बोला साहब, फिर कर दिया, दो चार वर्ष के बाद फिर गया, तो बोले मैं डीएसपी नहीं हूँ साहब, अब क्या हो, रिटायर हो गया हूँ। हम कह आप हो क्या, पहले डीएसपी रहे, पहले पीआई रहे, अलग अलग पोस्ट पर, अब है क्या, सच्चे आप क्या हो, तो सच्चा तो अब सोच रहा हूँ क्या, सच्चा जो है अब सोचना है। अभी तक नाटक के स्टेज में रहा, जहाँ जो मालिक आपको रख दे वो ड्रामा नाटक करो, लेकिन सही में सोचा करो कि आप कौन हो, हुआ को हम आप कौन हो,
संशोधन करो, ये ध्यान से कोई मार्गदर्शक मिलेगा तो मिलेगा, और वो मार्गदर्शक दत्तात्रेय महाराज को आपको सामने प्रस्तुत किया हूँ, हरिओम प्रस्तुत करके देख लो क्या होता है। आपको समझ में न आवे तो कभी समय लेकर मेरे पास आना सुबह की शाम, समय भक्त ले लेना, क्योंकि मैं काम इस शुभ शरीर से बाहर नहीं रहता हूँ। अब मैं इन्हें एक बार निकलता हूँ फिर तो कभी भी निकल जाओ मेरी मर्जी, क्योंकि गुना नहीं किया कि नजर कह दो जब चाहो निकल जाओ, लेकिन लगभग नहीं निकलता हूँ, अंदर बैठा रहता हूँ, मस्त रहता हूँ, सबका भला हो कर ध्यान हो सोचता हूँ, और खाली पोखरी में नहीं सोचता, भोग तो होता भी, ऐसी साधना करता हूँ इलाज के रानी के तरफ सबका सुगंध फैलता भी है। यहाँ आते ही आपको शांति लगेगी, आपको अनुभव होगा ऐसी जगह है, कोई संप्रदाय जगह नहीं है और सर्व संप्रदाय है। यहाँ मुस्लिम लोग भी आ चुके हैं और उनको भी पानी का अधिकार कराया है, सुननी हो कि शायद सैयद हो इसमें, जैन बंधु आए हैं उनको अनुभव कराया, सब भगवान यहाँ हाजिर है। आपको श्रद्धा हो इसलिए ऐसा करा देता हूँ कभी, बाकी तो आप हरिओम दर्शन करो, अपने गणपति गुरु में श्रद्धा रखिए, अपने दिल को सफा रखिए, सत्य न्याय करुणा दया समता में जिए, सबका भला सोच कर आप खुश रहो, सबके शांति में आप शांत रहो, सबको कल्याण की भावना सुनते हुए सोहम में जियो सो मस्त में वृत्तियां करना। आप जो हो वही मैं हूं, इसका नाम है सोहम। श्वास की नॉर्मल जो गति है उसको सोहम बोलते हैं, सोहम कोई मंत्र नहीं है, सहज में सब जप रहे हैं, इन खबर नहीं है कि हम सोहम जप रहे हैं, सहज में हो रहा है। अगर आपका ध्यान चला जाए तो हो गया काम, जीवो रहो चलते फिरते मेरे अंदर सोहम चल रहा है। उसमें क्या है, मूलाधार में गणपति है, स्वाधिष्ठान में ब्रह्मा है, मणिचक्र में विष्णु है, इधर महादेव है, विशुद्धि चक्र में कृष्ण है विष्णु है, आज्ञा चक्र में गुरु तत्व है, सहस्रार में सब है, सब चक्र खुलने लगते हैं। जब चक्र खुलते हैं तो उसका थोड़ा ज्ञान होना चाहिए कि मेरे को जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। बहुत से लोग आए, मैंने उनको बैठाया कि बैठो, तो जब मणि चक्र से ऊपर जब श्वास अवरुद्ध होने लगता है तो छोड़ देते हैं, घबरा जाते हैं, क्या हुआ कि हार्ट अटैक आ जाए, क्या होने लगा, हम कि हम यहाँ कोई मरोगे नहीं, जहां मरोगे तो सीधे परम पद रूप के ही मिलेगी, लेकिन आपको यहाँ मरने नहीं दूंगा, कोई मर जाओगे तो कल कोई यहाँ आएगा नहीं। मैं बोलता हूँ कि हे प्रभु परम पद रूप की और कहीं देना, यहाँ मत देना, यहाँ तो खाली ट्रेनिंग करके जाने दो। इसलिए जब ध्यान करो ना, आज जब यहाँ सांस अवरुद्ध हो तो घबराना नहीं, अब बहुत न रहा जाए तो भस्त्रिका कर देना, ऐसा कर देना छुट्टा हो जाओ। भस्त्रिका बहुत अच्छी चीज है, भस्त्रिका से कार्बन वायु का कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। जिस थिंकिंग से आप परेशान हो, जिस किसी प्रॉब्लम से आप घबरा रहे हो, डॉक्टर की दवा लेनी पड़ती है और टिकड़ी देता है ना, उसे थोड़ा एलर्जी हो जाते हैं, तो लगता है अच्छा लगा, कुछ अच्छा नहीं होता, आपको लेजी बना दिया, लेकिन आपका माइंड का कार्बन डाइऑक्साइड भस्त्रिका करके फिर ध्यान में बैठो आगे ले जाएगा, अब बल शांति देगी आपको। योग ऐसी वस्तु है, सृष्टि में कोई भी बीमारी नहीं है जो नाम बिट जाए, और योग अगर बिगड़ेगा योग तो कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो न हो जाए। एक महाराज जी आया, उसके मस्तक जलने लगा, तो पांच बात कर योगा करता रहा, और रजनी जी क्या गया है, अच्छी विद्वान आदमी रहे, बड़ी गहराई में उनकी देखा है, उनको समझना भी मुश्किल है,
और साक्षी और दृष्टा भाव में उपदेश दिए हैं, वो भी समझना लोगों के लिए मुश्किल है। तो समझे नहीं, बात बात कर करने लगे तो यहाँ से है प्राण वायु चढ़ा, जलन होने लगा, आधा चेहरा काला होने लगा, तो यहाँ आए। मैंने बोला कि कहीं गए हो कि बहुत महात्मा उपस्थित गया, कोई मिटा नहीं, हमके और कोई ढूंढ लो, हिमालय में भी बहुत है, वहां भी जाओ, एक आध वर्ष फिर आओ। फिर गया, कहीं मिटा नहीं, हम भी दत्त महाराज की प्रार्थना करता हूँ, उनसे प्रार्थना करो, वो योगाचार्य हैं, सिद्ध पुरुष हैं, उनका भजन किया तो समझ गया। बोले कि सूर्य नाड़ी में प्राण वायु चला गया, इसीलिए बीमारी हो गई। योग जो है सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी दोनों के बीच में सुषुम्ना है, सुषुम्ना में जाओगे परम शांति मिलेगी, चंद्र नाड़ी में जाओगे तो जुकाम सर्दी हो जाएगी, सूर्य नाड़ी में जाओगे शरीर में जलन होगा। इसलिए गुरु के बगैर ये सब मत करना, और जो सुषुम्ना में जाओगे परम शांति सहस्रार में आ जाओगे, शाम भई जाएगी, परमानंद रहेगा। इसलिए आज्ञा चक्र से ऊपर कोई नहीं जाता, कोई सिद्ध पुरुष बगैर। आप नीचे तक रहोगे चलेगा, आजकल तो बहुत से लोग कुंडली जगा देते, होगा हम खबर नहीं, लेकिन इतना सरल नहीं है कुंडली जगा देना, चक्र भेदन कर देना। आप लोग कोई करता हो तो उसको धन्यवाद है, मैं खंडन नहीं करता हूँ, दुनिया में सब बहुत प्रकार के लोग हैं, लेकिन मैं तो भगवान दत्त के पास ला देता हूँ, वो करते हैं अच्छा। मैं करता हूँ ये भी नहीं बोलता हूँ, मैं मार्गदर्शक हूँ, आपको वहां पहुंचा देता हूँ, गोबिया बन करके कि चलो कहाँ जाना है, पहुंचा दिया पर आपको वहां तक ले जाकर छोड़ देता हूँ, आपको आपका भला हो कल्याण हो। हमारी देव माया जो है शारदा देवी जी बहुत योग की है, हठ योग के आचार्य है, मैं नहीं किया हूँ, मैं हठ योगी नहीं हूँ। मैंने पूछा हमको आसन उसन नहीं आया कि दूसरे जन्म में तू कर लिया है, पूरा हो गया है, अभी सहज योग में तेरे को लाया, इनको तो बहुत कराया, खेचड़ी उचड़ी सब कराया। तो एक सदगुरु है सुचि नाम श्रीमदाम जय है, जो भ्रष्ट हो भी जाएंगे इस जन्म में, जो आप साधना कर रहे हो कहीं पूरा न हुआ तो जब जन्म में फिर वहां से शुरू हो जाए, करो गया आप कैसे वहां पहुंच गए, आप बुखार नहीं है, इन उसके आगे नहीं जा सकते हो, उसके आगे कोई चाहिए। इस जन्म में जहां तक पहुंचे हो, दूसरे जन्म में जन्म लोगे वहां तक आप यूं ही पहुंच जाओगे, लेकिन उसके आगे नहीं जा सकेंगे आप, उसके आगे कोई सिद्ध पुरुष चाहिए, और भी सिद्ध पुरुष दत्तात्रेय जैसे, गोरखनाथ जी जैसे, मसंतनाथ जैसे, गिरनार में अच्छे सिद्ध लोग है, वो कोई मिले तो करा दे, बाकी तो दुनिया में होंगे मुझे खबर नहीं है, सिद्ध लोग होंगे लेकिन मैं नहीं बोलता हूँ कि जल्दी कोई मिल जाता, बहुत कठिन है। इसलिए आप लोग श्रद्धा से अपने गुरु में श्रद्धा रखना, अगर गुरु न बनाए हो तो दत्तात्रेय को गुरु मान कर चढ़ आपका कल्याण कर लेंगे, दिल से इनका नाम जो भजन करो। तो आज जो है शैलजा देवी का जन्मदिन रहा, इसलिए मानव शरीर एक पर बोला हूँ, शैलजा देवी ने काफी कष्ट उठाया है, सहन भी किया है, और बहुत कष्ट उठा करके यहाँ तक पहुंची है, साधना खूब की है, अब इनका मन जो है इसी में रहता है कि लोगों का भला, पानी भी देती है, पानी देती है तो सबका दर्द दुख मिट जाता है, ये भी देखा मैंने, हमने भी एक दो जगह हो मेरे को भी दुखता रहा, हमको भी पानी दे तो मेरा भी ठीक है। एक लड़का रहा उसको हमारे लड़के को भी कुछ हो गया, तो उसको भी पानी लगाया तो अच्छा हो गया, तो जब टेस्ट करके देखता हूँ तो अच्छा होता है। अब बहुतों का काम हो गया, किसी का कैंसर मिट गया, एक मिट गया, अब थोड़ा मौन हो गई है, अभी भी देती ही तो है, अब खबर नहीं,
लेकिन कीमत नहीं है, एक ही तपस्या करके दान दे दो, तो बस माता जी थोड़ा पानी दे दो ना, एक बोलते गंगा जल संग्रह कर पी लो, उनको लगता है थोड़ा पानी में कुछ जाता नहीं होगा। ये जूनागढ़ में 25-30 वर्ष पहले लोकल का व्यापारी था, उसको कैंसर हो गया, तो मेरे पास आया, आप थोड़ी भस्मी दे दो ना। हम तो क्या होगा इससे, कहते एक भाई का जो है ब्लड कैंसर भी था, वो कनक भाई जैसा ही रहे, उनका शरीर अभी नहीं है, उनको कैंसर हुआ तो डॉक्टर बोला 2-3 वर्ष चलेगा, लेकिन 11 वर्ष जिए वो। तो डॉक्टर तो हमारे पास आके किया क्या, हमने कहा दवा न दुआ दोनों काम किया। कनक भाई जिसको उनको जानता है कोई तो पूछ लेना, अभी भी लोग उस समय के होंगे, तो मेरे को खबर नहीं होता कि क्या हो जाता है। तो बोले थोड़ी भस्मी देने में आपको क्या तकलीफ है, हमके भस्मी से मिटता हो ना, यहाँ गौशाला है, आराया लेकर आराया लेकर जला लो और डब्बे में भर कर घोल भर कर पिया करो, फायदा हो जाएगा। इतनी भस्मी में 5-6 बरस का वजन चला जाता, वो नहीं दिखेगा। आप अपनी कमाई का थोड़ा भाग यहाँ दे दो, बोले तो करेंट लगता है, ऐसा कराए हम, मेरी तपस्या सस्ती लगती है, फिर भी मैं तो लुटा रहा हूँ, क्यों कि महाराज का खजाना है, हमारा क्या जाता है, दे रहा हूँ कि लो शांति प्राप्त करो, अच्छे मार्ग में चलो, अपना कल्याण करो, दूसरे का भी कल्याण करो, मेरा कोई हर्जा नहीं है। महाराज बैठे हुए, मैं करूं तो दुखो, मैं कुछ नहीं करता हूं, सब इनकी इच्छा से होता है, ये कारण है। तो जो भी लोग आए हैं, आप लोग एक संकल्प करना, इतना भजन रोज करने का, अही ना लोगों गुजरात ना लोगों से एने पर समझ में ना आया हो तो बीजा लोगों से पूछे ले जो, पर गुजरात ना लोगों बहुत बुद्धिमान दरेक भाषा सब्जेक्ट है, એટલે દિલ્હી બોમ્બે યુપી ક્યાં ક્યાં જે લોકો આવ્યા છે, એટલે મેં હિન્દીને બોલ્યું, એ બધાને ખ્યાલ આવે, બાકી તો આપ લોકો પરસ્પર સોચ લેના, જો મેં બોલા કરકે ટેસ્ટ કરકે દેખના, સબ ઓકે નિકલેગા, કોઈ ફેરફાર નહીં હોગા, જો બોલા સબ મોહર લગા કર સચ્ચા બોલા હું, ફિર ભી વિશ્વ કો સબ કહો તો કભી મેરી મુલાકાત કર લેના, તો આપકો પ્રૂફ હો જાયેગા કે सभी सही और अच्छी बात है, समझे आप लोग। तो अभी मैं अपना प्रवचन बंद करता हूँ, हरि ओम तत्सत, जय गुरुदत्त। अब आगे जो है, मैं 1.5 घंटा तो बोला, अब क्या बोलूँ, इतना में सब हो गया। अब आप लोग आगे का जगदम्बा फर्स्ट पे बोलो। अच्छा आप लोग सत्संग सुनिया, लड्डू उड्डू खाया, शाम को जा रहे हो तो रुक रहे हो, देख लेना, अब वो रुकते हो तो कल दूसरी वैरायटी बने, यहाँ खाओ ना करो भजन, कल रविवार है, यहाँ जाना हरिओम।